Hello students, we are now taking question number 13 from CBSE sample paper. ये question देकर CBSE ने बता दिया है कि आपको सारे aspects जो हैं वो cover करने पड़ेंगे. हमने इतने सारे questions NCERT, exemplar या जो भी assignments जैसे हमारे AVTE में हमने cluster of questions रखे हुए हैं. जरूर आपने भी extra questions करे होंगे, कुछ famous books से करे होंगे. बट इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें और आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाओगे उससे इतना फायदा नहीं होगा जितना इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करके देखो. ध्यान से देखो, जो गिवन डिटरमिनेंट है उसका एलिमेंट A11 जो है वो 1 है, जबकि जो डिटरमिनेंट जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो उसी के कोफैक्टर. ध्यान से देखो, अगर मैं A11 का कोफैक्टर निकालूं जो कि क्या हो C11, तो जो कोफैक्टर आ रहा है वो उस गिवन डिटरमिनेंट का पहला एलिमेंट है. सिमिलरली अगर मैं सेकंड पर जाता हूं, यानी A12 पर जाता हूं, गिवन जो डिटरमिनेंट है अगर उसका कोफैक्टर निकालूं तो आपको मालूम है कि माइनस टाइम्स होएगा, लेकिन ये A2 माइनस A2 यहां 0 आ रहा है, तो ये चक्कर क्या है. यस, all these elements are basically जो given determinant है उसको compare करूं जो target है उस determinant से, तो जो targeted determinant है उसके अंदर हर एक element cofactors है given determinant के. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आइए solve करते हैं. आइए अब इसको solve करते हैं. और इसको solve कैसे करें, जो given determinant है अगर मैं उसे delta 1 ले लूं और उसके हर एक एलिमेंट को रिप्लेस करूं ओरिजिनल जो गिवन डिटरमिनेंट है हमारे पास, तो हम देखेंगे कि वो कोफैक्टर्स आ रहे ऐसे आ रहे हैं. अब क्या होगा जी, टारगेट क्या है, ये है टारगेट. ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने कि हां अगर ओरिजिनल डिटरमिनेंट दिया और फिर उसके कोफैक्टर्स का डिटरमिनेंट निकालना हो, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपने मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टी पढ़ी है सर, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट. अब यहां ऑर्डर क्या है, 3. अब आप कहोगे जी हम एडजॉइंट का थोड़ी ना डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, हम तो कोफैक्टर्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं. तो आपने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ A, एंड व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A इज बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, और आई वुड से व्हाट आर द कोफैक्टर्स इन दिस केस, ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट. तो आप को अपने आप से एक प्रॉपर्टी समझ में आ गई, एंड दैट प्रॉपर्टी इज दैट डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए इक्वल्स मॉड ए रेज टू पावर एन माइनस 1, यानी इन दिस केस इट इज डेल्टा 1, सो दिस इज 3 माइनस 1, दैट इज डेल्टा स्क्वायर एंड विच इज माइनस 4, सो माइनस 4 का स्क्वायर करके आंसर क्या आ गया, 16. तो यहां अब एक बात समझो कि जब आपकी सारी तैयारी हो चुकी है, सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो जो प्रॉपर्टीज आपने मेट्रिसेस में पढ़ी, जो प्रॉपर्टीज आपने डिटर्मिनेंट में पढ़ी, उनको भी रिलेट करने की कोशिश करो. सो मैं इसे बोलूंगा कि ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, और हो सकता है कि बच्चे इसको एग्जाम में घबरा जाते हैं अगर प्रॉपर्टी पता भी होती तो. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चाहे आप एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, चाहे आप कोफैक्टर्स के डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, वो रिजल्ट तो सेम ही आना है. तो आंसर इस क्वेश्चन का है 16, और मैं इसकी गाइडलाइन और मैं इसका ऑफिशियल सोल्यूशन आपको दिखा देता हूं कि सीबीएसई क्या कहती है, क्या करना है. और याद रखना, जो सीबीएसई ने दिया होता है और जो आप एग्जाम में करते हो, आपको ज्यादा समय लगेगा क्योंकि उसमें कैलकुलेशन नहीं शो कर रही होती है. ये देखिए, उन्होंने ऐसा कहा है कि ये करना, सबसे पहले इसको कोफैक्टर्स लिख देना, 2 मार्क आ जाएंगे, मतलब करके भी दिखा देना, एक दो एलिमेंट्स तो करके भी दिखा देना, आप सारे करके नहीं दिखाने की जरूरत है, आप कैलकुलेट सिर्फ एक दो करके दिखा देना, लाइक C11 और C12 कैलकुलेट करके दिखा देना, और उसके बाद डायरेक्टली ये डिटरमिनेंट फॉर्म कर लेना. और फिर ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि कोफैक्टर क्या है, इस तरह से लिखा हुआ है,
और फिर यहां इसके बदले जो हमने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं एक्सप्लेन करना है वो आप एक्सप्लेन कर देना और आंसर 16 आ गया ऐसा देखिए 211 ऐसा करके आंसर आ गया. थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज. हम और कोशिश कर रहे हैं. जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग वीडियोज बना के जल्दी से जल्दी आपको पोस्ट कर सकें. डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड press the bell button on AVTE. Thank you.